राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन ट्यूसडे, सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर कृष्णा के लंच की तैयारी कर रही हूँ पहले, और आज लंच में छोले बनाने के लिए बोला है उसने, तो उसी के लिए मैं पहले लहसुन प्याज पीसूँगी अलग, और थोड़े से टमाटर और हरी मिर्च अदरक वगैरह पीसूँगी, तो बस वही पीस रही हूँ। और इस समय लाइट चली जाती है, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है किचन में, क्योंकि एक ही लाइट ऑन है बस। मैंने उसके लिए छोले वगैरह मैंने बॉयल पहले ही कर दिए थे, अब बस मसाला वगैरह पीस के और उसको बनाना बाकी है छोलों को, क्योंकि छोले बॉयल होने में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो मैंने उनको करीबन 3:30 बजे ही इंडक्शन पे रख दिया था टाइमर सेट करके, तो वो बॉयल हो गए हैं बहुत अच्छे से। और बस अब बना के और आटा वगैरह लगा के पूड़ियाँ बनाऊँगी उसके लिए। तो यहाँ पर ना मैं मसाला बहुत बारीक पीसूँगी, क्योंकि इसको ना टमाटर वगैरह के टुकड़े या अदरक के टुकड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं अदरक को तो छोटा वाला जो जार है उसी में पीसूँगी, क्योंकि उसमें अच्छा पिस जाता है, उसमें कोई भी चीज़ मतलब बिल्कुल साबित नहीं रहती है। तो थोड़ी सी प्याज और अदरक मैंने अलग पीस लिया है, और बाकी जो ज़्यादा टमाटर प्याज थे वो अलग पीस लिए हैं, क्योंकि इन बच्चों को ना बहुत ज़्यादा टुकड़े वगैरह कुछ होता है तो फिर नाक चने बिनवा देते हैं हम लोगों को, मम्मी ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, बस उनके नखरे ही नखरे रहते हैं। और यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह सब भून लिया था, बस मैं छोले डाल दूँगी। और छोले में ना मुझे हल्का सा पानी कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी और बॉयल किया है बराबर में दूसरे वाले कटोरे में, क्योंकि मैं गर्म पानी ही डालूँगी, जिससे इसके टेस्ट मतलब ख़राब नहीं होगा। अगर ठंडा पानी डालो तो फिर वो पनीले पनीले से लगते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह में मैं सुबह सुबह वैसे भी कोई भी सब्ज़ी हो तो उसमें पहले पानी अलग गर्म कर लेती हूँ, वही डालती हूँ, जिससे सब्ज़ी भी जल्दी बन जाती है और उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। आप भी इस तरह से कभी बनाइएगा, बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे सुबह का काम। तो मैं दाल सब्ज़ी अगर किसी चीज़ में पानी कम भी लग रहा है तो फिर उसे खौलाऊँगी पहले साइड में, तभी लगाऊँगी। और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन छोले वगैरह ये सब तो दोबारा से जब फ्राई हो जाएं तभी अच्छे लगते हैं बॉयल करने के बाद में। तो बस वो छोले वगैरह बन रहे थे और आटा लगा दूंगी साथ में। आटा लगाने के बाद मैं आपको फिर छत पे लेके चलूंगी, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सुबह के मतलब सूरज नारायण के दर्शन कराऊंगी। बहुत मतलब एकदम पिंक पिंक सा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, तो अंदर इतनी गर्मी है लेकिन बाहर बहुत अच्छा है। और मैं आटा भी थोड़ा सा ही लगाऊंगी कृष्णा के लायक, क्योंकि बाद में फिर मुझे ज़्यादा आटा लगाना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ कुछ स्पेशल डे है तो उसके लिए थोड़ा खाना ज़्यादा बनेगा, तो उस वजह से फिर मैंने अभी सिर्फ कृष्णा लायक आटा लगाया, वरना मैं डेली तो वैसे इस समय पूरे घर का ही आटा लगा कर रख देती हूँ, और आज लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा ही लगाऊंगी। और ओम स्कूल नहीं जा रहे थे तो इसलिए मैंने बस उनके लिए आटा वगैरह लगा के रख दिया है। और अब मैं अब आपको लेकर आई हूँ छत पे, ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह के करीबन 5:30 बज रहे थे इस वक्त, मैंने क्योंकि मैं जगने के बाद छोले वगैरह मैंने गरम बनाए और उसके बाद फिर मैंने फ्रेश व्रेश होने गई तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। ये देखिए सूर्य नारायण के दर्शन कर लीजिए, बहुत एकदम पिंक पिंक सा मौसम हो रहा है। और अभी ना चाँद भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए मैं अभी आपको दिखाऊँगी पास से थोड़ा सा, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा। ये देखिए बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है ना, ऐसे लगता है कि थोड़ी देर से दूर से देखो तो ऐसा लग रहा था स्टार है, लेकिन वो चाँद था। और मैंने उसको भी जूम करके कैमरे से लेने की कोशिश की है तो कहीं कहीं तो एकदम साफ़ हो गया, कहीं कहीं थोड़ा सा फैल गई है स्क्रीन, तो वो थोड़ा साफ़ नहीं आया है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था मौसम देखकर कि बस यहीं पर बैठ जाओ 1-2 घंटे, बिल्कुल कहीं मत जाओ, लेकिन बैठने का टाइम ही नहीं था, आना तो था ही नीचे, क्योंकि कृष्णा के लिए अभी मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, बस छोले पक रहे थे। इतनी देर में मैंने सोचा चलो छत पर भी घूम के आती हूँ थोड़ा सा। मैं ऊपर तुलसा जी थी छोटी छोटी, तो उनको देखने गई थी, मैंने कहा वो ठीक है या नहीं, पानी वगैरह दे दूँ, लेकिन वहाँ पर ना बंदर नहीं छोड़ते, बंदरों ने सब ख़राब कर दिया। बस कृष्णा भी तैयार होकर आ गया था नहा धोकर, अब उसको लंच लेने आया था, तो मैंने कहा चल ठीक है। और कृष्णा मुझे हक कर रहा है क्योंकि आज ना उसका हैप्पी बर्थडे है, तो वो कह रहा था मम्मा मैं जाऊंगा लेकिन मुझे ना पार्टी वगैरह घर नहीं लेनी है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही करूंगा शाम को। मैंने कहा चल ठीक है तू शाम को ही कर लेना, घर पे उसने हमें कुछ भी नहीं करने दिया, बस हमने छोले पूड़ी ही बनाए थे बाद में भी। फिर उसने कहा था कि मुझे स्वीट पनीर पसंद है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा स्वीट पनीर बना दिया था, बस उसी के लिए, ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि हम सबको इतना पसंद नहीं है, बस कृष्णा को ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए जब स्कूल से लौट कर आया था तो उसके लिए स्वीट पनीर और नान बनाए थे मैंने, बस इतना ही था उसके बर्थडे में, ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं था। मैंने किसी को बुलाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक मेहमान आ गए थे हमारे यहाँ, मैं उन्हें मेहमान नहीं बोलूँगी, वो मेरे लिए मेहमान नहीं है, मेरे लिए तो मेहमान से बहुत कुछ ज़्यादा हैं वो, लेकिन हाँ मतलब उन्होंने तो एकदम सरप्राइज़ कर दिया था, हमें बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी कि वो आएंगे, क्योंकि मैंने किसी को बताया भी नहीं था इस बार, क्योंकि बच्चों का मन ही नहीं था बिल्कुल भी कि मैं कुछ भी करूं घर पे,
कृष्णा को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी थी, तो फिर बच्चों की खुशी के लिए ही सब कुछ होता है, जब उनको जहाँ खुशी वहीं पे हम खुश हो जाते हैं। तो बस ये कृष्णा स्कूल चला गया था और उसके बाद फिर शाम को आया था वो करीबन 2:30 बजे के करीब। तो 2:30 बजे आने के बाद उसने 1 घंटे रेस्ट किया। ये देखिए तैयार होकर ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्णा को जाते देख कर ओम भी करने लगे कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है उनके भैया के साथ पार्टी करने के लिए। लेकिन कृष्णा अपने साथ लेकर नहीं गया था उसे, मैंने बस उसे तैयार कर दिया था। तो वो तो बस अपनी आंटी के घर रुक गया था, माँ जी के साथ चला गया था आंटी के घर। तो कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते रहे, तो ये आंटी के घर चले गए थे। और जैसे ही कृष्णा निकल गया, उसके 10 मिनट बाद ही हमारे यहाँ आ गए थे जिनकी मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। वो मेरे लिए तो बहुत खास हैं, मतलब छोटे वाले भैया आ गए थे, कृष्णा के छोटे मामा आ गए थे उसके लिए बर्थडे पे केक और उसके लिए ड्रेस वगैरह लेके। तो मुझे तो मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने किसी से बिल्कुल भी जिक्र भी नहीं किया था। लेकिन उन सबको तो पता ही है कि आज बर्थडे है कृष्णा का। वैसे हर साल सेलिब्रेट होता था, लेकिन अब वो जब से थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो उसे घर पे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब बच्चों वाले काम, बहुत छोटे छोटे बच्चे करते हैं, केक लाओ, टॉफ़ी लाओ, ये वो। अपने फ्रेंड्स के साथ बस गया, अपनी मस्ती करके आ गया लौट के। और ये छोटे भैया आ गए थे, तो बस उनको चाय नाश्ता चल रहा है, बाबा जी बैठे हैं पेट खोल के। बाबा जी को गर्मी लग रही थी, मैंने कहा बाबा जी पेट ढक लो, बाबा जी ने पेट ढका नहीं था, कह रहे रहने दे तू हमें मतलब है वीडियो में। ओम कृष्णा गया है अभी पार्टी करने, अभी तक आया नहीं है, 7 बज गए हैं और मैंने उसके बर्थडे की सारी तैयारी करके रख ली है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। बलून्स तो जन्माष्टमी वाले दिन के लगे हुए हैं और वो तो अपने बलून वगैरह कुछ लगवाता नहीं है, तो मैंने उसके लिए तो नहीं लगाए स्पेशल। बाकी और कुछ बलून्स जमीन पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, तो मैंने नए बलून्स नहीं बनाए हैं, फुलाए हैं, वही वाले बलून्स हैं। और मैंने केक वगैरह सब उसके लिए निकाल के रख लिया, देखते हैं कितनी देर में आता है। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ उसका, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, दियाबत्ती का भी टाइम हो गया, तो दियाबत्ती मैंने कर दिया, लेकिन अभी भोग नहीं लगा भगवान का। मैंने सोचा कि बर्थडे वाले दिन कृष्णा के केक से ही भोग लगा दूंगा आज, तो उसकी बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। काफी टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया और गर्मी बहुत पड़ रही है। देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए मैंने सारी तैयारी करके रख ली है उसकी, केक है, चॉकलेट है, सब कुछ। ये देखिए और ये बलून्स हैं, और अभी लाइटिंग हमारी जन्माष्टमी वाली दिन की ही लग रही है, तो बस उसी का इंतजार कर रही हूँ जल्दी से आ जाए तो केक काट के और भगवान जी का भोग लग जाए। और ये कृष्णा आ गया है यहाँ पर, करीबन 7:15 बज रहे थे, मैंने कहा जल्दी आ जा, हाथ पैर धो के फटाफट से केक काट के भोग लगा दे भगवान जी का। तो बस यहाँ पर माँ जी ने उसका टीका वगैरह कर दिया था, साथ में ओम का भी किया था टीका उन्होंने, क्योंकि ओम को लग रहा था कि आज भैया का बस सबको लोग भैया की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। तो दोपहर में तो बहुत रो रहा था, जरा सा मैंने कृष्णा को थोड़ा सा प्यार कर लिया था, थोड़े से फोटोग्राफ्स उसके साथ खींच लिए थे, तो वो तो बहुत रोया था, कह रहा नहीं आज तो बस सब दादा को ही प्यार कर रहे हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं कर रहा, मेरा तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता। मैंने कहा तेरा बर्थडे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, लेकिन उसे तो बस रोना धोना शुरू कर दिया उसने दुनिया भर का। बस यहाँ पर माँ जी ने उसका तिलक वगैरह कर दिया था और केक काटी थी, फिर उसके बाद मैंने कहा तू केक काट दे, तो केक काटने के बाद उसने पहले यहाँ घर पे भोग लगा दिया था ठाकुर जी का, और फिर मंदिर पे चला गया था भोग लगाने के लिए। मैंने उसको मैंने कहा तू जल्दी से भगवान के भोग लगाया, भगवान जी तेरे इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि टाइम से भोग लग जाता है, 7 बजे से पहले मैं मंदिर में भोग लगा देती हूँ ज़्यादातर, और आज 7:30 के करीब हो गए थे लेकिन भोग नहीं लग पाया था। तो मैंने फटाफट से उसको काट के थोड़ा सा केक और भोग लगाने के लिए, ये वाला केक मैंने काट के उसके भोग लगाने के लिए भगवान जी के मंदिर के लिए भेज दिया था, तो वो चला गया था भोग लगाने के लिए। फिर मैं यहाँ पर इस केक को काट कर और छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब अलग अलग करके सबके घर के लिए रखूँगी, चाचा जी वगैरह के घर के लिए अलग अलग रख दूँगी टॉफ़ी और केक लगाकर, तो माँ जी दे आएंगी, क्योंकि माँ जी अभी घेर में चली गई थी दूध लेने के लिए, तो जब वो दूध लेकर आएंगी तब तक मैं सारी तैयारी करके रख लूँगी, तो दे तब भी देंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर उसके बाद मुझे खाना पीना भी बनाना है, अभी खाना वगैरह भी नहीं बनाया है मेरा कुछ भी, सबके यहाँ बस देकर आएंगे केक, क्योंकि लेट हो गया था तो फिर घर किसी को नहीं बुलाया ज़्यादा, सब बस चाचा जी वगैरह सबके घर, माँ जी गई हैं देने के लिए। मैंने काट काट कर दोनों में लगा दिया है और टॉफ़ी वगैरह डाल दी हैं, बस हो गई केक की, हो गई बर्थडे पार्टी। तो बस बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो गया है, अब मैं बनाऊंगी खाना पीना, और गर्मी के मारे सिंदूर कहाँ तक बहकर आ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का करूंगी एंड, मिलूंगी आपको अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।